बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, भगवान कृष्ण गीता में एक जगह कहते हैं, सदृशम चेष्टते स्वास्थ्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात संसार में प्रत्येक जीव अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। जिस प्रकार एक चूहा है, बिल खोदना और किसी वस्तु को कुतरना, ये उसकी प्रकृति है, ये उसका स्वभाव है। और जरा सी आहट पर चौंक कर उठ जाना और अपने मालिक की स्वामी भक्ति करना, ये कुत्ते की प्रकृति है। और किसी व्यक्ति के प्रति विशेष मोह का ना होना, ये बिल्ली की प्रकृति है। भगवान कृष्ण कहते कि ऐसे ही संसार में एक साधारण मनुष्य है, अपने प्रकृति के अनुसार, अपने विगत कर्मों के अनुसार और उनके स्वभाव से वो कर्म करता है। लेकिन इन साधारण मनुष्यों में एक विशेष मनुष्य है, ज्ञानी भक्त, जिसके बारे में भगवान कृष्ण कहते कि जो भक्त है, प्रकृति ज्ञानवान अपि, वो भक्त अपनी प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को, अपने जीवन यापन करता है। क्योंकि वो ज्ञानी भक्त अपने निम्न प्रकृति को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देता है और निरंतर कोशिश करता है, वो प्रयास करता है, वो संघर्ष करता है अपने इष्ट का सर्वोत्तम और श्रेष्ठ स्तर का, उस प्रकृति को ग्रहण करने का। वो निरंतर संघर्ष करता है कि मैं कैसे उस अध्यात्म के शिखर को प्राप्त कर लूं, कैसे मैं उस श्रेष्ठ प्रकृति को धारण करूं। और इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृति ज्ञानवानपि, जो ज्ञानी है वो संघर्ष करता है। लेकिन संघर्ष जितना महान है, लक्ष्य जितना महान है, संघर्ष भी उतना ही महान करना पड़ता है। और एक सेवक निरंतर संघर्ष करता रहता है और जिस वक्त वो संघर्ष करता है उस श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए, तो उसका इष्ट, वो प्रभु, वो गुरुदेव, वो भी पीछे नहीं हटते, वो भी उसकी मदद करते हैं। लेकिन इस संघर्ष का भी एक अपना महत्व है एक साधक के जीवन में, क्योंकि वो संघर्ष भी बेकार नहीं जाता। एक समय आता है कि वो साधक अपने उस चरम अवस्था को प्राप्त करता है। जिस प्रकार एक प्यूपा है, जो एक रैप्टाइल इंसेक्ट है, जब अपने वो प्यूपल स्टेज पर रहता है, अपने शैशव अवस्था में रहता है, वो जमीन पर रेंगता है, लेकिन रेंगने के साथ साथ वो एक विशेष क्रिया को दोहराता है। वो बार बार ऊपर उठने का प्रयास करता है, बार बार उड़ने का प्रयास करता है। और जिस वक्त इस प्रतिक्रिया को बार बार वो दोहराता है, बार बार उठने का प्रयास करता है, तो एक असाधारण क्रिया घटती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है और कुछ हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है। और वही प्यूपा एक मोथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक पतंग में बदल जाता है। कहां तो वो जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर था, लेकिन लगातार उस क्रिया को दोहराना, संघर्ष करते रहना, ऊपर उठने का प्रयास करना और एक समय अपने उस तुच्छ प्रकृति को छोड़ करके श्रेष्ठता को धारण करता है और आसमान में उड़ता है। एक साधक भी निरंतर जब संघर्ष करता है तो एक समय वो भी उस अवस्था को प्राप्त करता है। और इसीलिए गुरु महाराज जी अपने भजनों में भी एक साधक को समझाते हुए यही कहते हैं कि ये मार्ग कैसा है। गुरु महाराज जी कहते कि रूढ़ियों मृत मान्यताओं का दमन है साधना। कि साधना क्या है कि अपनी, हमारी जो रूढ़ियां हैं, जो शंकाएं हैं, जो संशय हैं, जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसका दमन साधना है। निरंतर अपने आप का अवलोकन करना साधना है। और जिस वक्त साधक अवलोकन करता रहता है,
उसे श्रेष्ठ प्रकृति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहता है, तो गुरुदेव कहते हैं कि श्रेष्ठता उत्कृष्टता का अनुगमन है साधना। कि साधना क्या है? कि श्रेष्ठता को प्राप्त करना अपने निम्न स्तर को छोड़ करके, एक साधक अपनी निम्न प्रकृति को छोड़ता है, क्योंकि छोड़ेगा तभी वो उच्च स्तर को प्राप्त कर पाएगा। वो संघर्ष करता है निम्न स्तर को छोड़ने का, वो श्रेष्ठता का संघर्ष करता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि वो साधक जो अनुसरण करता है श्रेष्ठता उत्कृष्टता का अनुगमन है साधना। अनुगमन का अर्थ यानी कि अनुसरण करना, हम उस ओर बढ़े। और जब तक हम उस ओर नहीं बढ़ते, हम उस श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त करते, हम संघर्ष नहीं करते, हमारे अंदर शंकाएं बनी रहेंगी, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी अगर हमारा मन जहां भी विचलित हुआ। और जब हमारा मन भ्रम में पड़ जाता है तो कई बार हम अपने इष्ट की बातों को भी, अपने गुरुदेव अपने आराध्य के बातों को भी हम अनदेखा कर देते हैं। एक समय आता है कि जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के समक्ष जाते हैं और वहां 5 गांव का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन दुर्योधन जब मना कर देता है तो भगवान कृष्ण वापस युधिष्ठिर के पास आते। युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु, आपको पता था कि दुर्योधन आपके प्रस्ताव को नहीं मानेगा, फिर भी आप उसके पास क्यों गए? भगवान कृष्ण कहते कि मैं इसलिए गया क्योंकि मैं तुम्हारे भ्रम को दूर करना चाहता था, क्योंकि भ्रम तुम्हारे अंदर है, दुर्योधन के अंदर नहीं है। उसके अंदर कोई शंका नहीं है क्योंकि उसे पता है कि मुझे तो लड़ना ही है, भ्रम तुम्हारे अंदर है। तुम सोचते हो कि चाहे मैं शांति से बैठ जाऊं, चाहे मैं कितना भी संतोषी बन जाऊं, तो हो सकता है कि दुर्योधन मुझसे युद्ध ना करे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चाहे तुम कितना भी शांति से बैठ जाओ, लेकिन फिर भी वो तुमसे लड़ेगा, क्योंकि लड़ना उसकी प्रवृत्ति है। तुम चाहे कितना भी पीछे हट जाओ, चाहे कितना भी तुम पीछे हटने का प्रयास करो, पलायन करो, लेकिन जब तक तुम प्रतिकार नहीं करते तुम बच नहीं पाओगे। दुर्योधन के लिए महत्व 5 गांव और आधे राज्य का नहीं है, उसको समस्या तुम्हारे अस्तित्व से है। तुम जब तक हो तुमसे वो लड़ेगा, तुम चाहे अज्ञातवास की तरह कहीं भी चले जाओ। सजनों, जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो विपरीत परिस्थितियां हमारे साथ साथ चलती हैं। हम कितना भी भागने का प्रयास करें वो हमारे पीछे पीछे आएंगे। आज दुर्योधन ने बाहर से ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी हैं कि युधिष्ठिर अंदर से भ्रमित हो गया है। वो भगवान की बातों को भी नहीं समझ पा रहा, उसे कृष्ण से अधिक दुर्योधन पर विश्वास है कि शायद मैं पीछे हट जाऊं तो वो युद्ध ना करे। और जिस वक्त हम भगवान के विचारों को हम छोड़ते हैं, हम भ्रमित होने लगते हैं। गुरु महाराज जी के समक्ष एक भक्त आया और महाराज जी से उसने पूछा कि महाराज जी, मेरे मन में बहुत भ्रम रहता है, शंकाएं रहती है, संशय रहता है, उलझने बहुत रहती हैं, आप कोई ऐसा सूत्र दें कि मेरा मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, एक लक्षित हो जाए। गुरु महाराज जी ने उससे एक कलम और एक कागज मांगा। जिस वक्त उस भक्त ने कलम और कागज आगे की, महाराज जी ने गीता का एक श्लोक उस पर लिखा, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, अर्थात कि जिसने मुझे अपना सुहृदय जान लिया, इतना जानने मात्र से ही उसको शांति मिल जाया करती है। सोचने वाली बात है कि इतने छोटे से शब्द में महाराज जी ने कितनी बड़ी बात समझा दी, कि जिसने ईश्वर को सुहृदय मान लिया, उसे अपना जान लिया, परम मित्र जान लिया, इतना जानने मात्र से ही उसको शांति मिल जाती है, सुख मिल जाता है। आज अगर हमें शांति नहीं मिल रही है, अगर हम आज भ्रमित हैं, तो कहीं ना कहीं युधिष्ठिर की तरह हम भी भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि हम भ्रमित हैं, हम उदासीन हैं,
हम परेशान हैं, कारण कि हमने भगवान को छोड़ा हुआ है। आज हमें शांति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम उसे भूले बैठे हैं। माया मोह सकल जग छाया, सुत कंचन सो हेत वधाया, सब कुछ अपना एक राम पराया। सब कुछ तो अपना है, बस एक राम पराया हो गया है, वो भगवान पराया हो गया है। और यही कारण है हम कि हम दुखी हैं, हम अशांत हैं, हम संशय ग्रसित हैं, शंकाएं भरी पड़ी है, क्योंकि राम हमसे कहीं छूट गया इस भौतिकता के चक्कर में। हमारी कामनाएं हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई कि हमारा इष्ट हमसे छूट गया, हम साधकता के प्रकृति को भूल गए, हम उससे विलग हो गए, हम बिखरते चले गए। लेकिन महापुरुष कहते, कबीर कहते कि एक सच्चा साधक और एक योद्धा विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते, अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ते। वो कहते कि साधु सती और सूरमा तिनका मता अगाध, आशा छोड़े देह की तन की अनथक साध। कि जो साधु है और सच्चा योद्धा है, परिस्थितियां कैसी भी आए लेकिन अपने धर्म अपनी उस प्रकृति को नहीं छोड़ते, वो संघर्ष करते रहते हैं। एक योद्धा का गुण है कि वो पीठ नहीं दिखाता, अपनी कामनाओं को अपनी इच्छाओं को वो छोड़ करके, उसकी तिलांजलि दे करके वो युद्ध के मैदान में चला जाता है। इतिहास की एक घटना है ग्रीक मैथोलॉजी में, एक योद्धा हुआ एखिलिस। एखिलिस एक युद्ध में जाने से पहले अपनी मां के समक्ष जाता है और मां को जब पता चलता है कि ये युद्ध में जाने वाला है तो मां उससे कहती है कि अगर तुम इस युद्ध में नहीं गए तो तुम्हारे पास एक लंबा जीवन होगा, सुख होगी, वैभव होगा, तुम्हारे बच्चे होंगे, पत्नियां होंगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे। लेकिन अगर तुम इस युद्ध में गए तो तुम्हारे जीत की कहानियां लिखी जाएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी तुमको तुम्हारी इस वीरता को गाई जाएंगी, लोग याद करेंगे, हजारों वर्षों तक तुम्हें याद रखा जाएगा। लेकिन इस युद्ध में तुम गए तो तुम जिंदा वापस नहीं आओगे, मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी। एखिलिस चाहता तो वो एक लंबा जीवन चुन सकता था, वो सुखमय जीवन को चुन सकता था, लेकिन उसने अपने योद्धा धर्म को चुना, उसने अपने योद्धा प्रकृति को चुनी और उस युद्ध में गया। बेशक वो लड़ते हुए मारा गया, लेकिन उसकी वीरता के कारण आज हजारों वर्षों बाद भी उसको याद किया जाता है, उसे सब जानते हैं। कबीर कहते कि ऐसे ही एक भक्त है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत आए लेकिन अपने संघर्ष को नहीं छोड़ता, अपनी वह प्रकृति पर वो अडिग रहता है। वो कहते आशा छोड़े देह की तन की अनथक साध, अपनी वो आशा छोड़ देता है, अपने सुख अपने इच्छाओं को वो छोड़ करके, आशा छोड़े देह की तन की अनथक साध, अपनी वो निरंतर साधना करता है, निरंतर अपना वो अवलोकन करता है। एक भक्त निरंतर संघर्ष करता है। आदि गुरु शंकराचार्य के पिताजी जिस वक्त वो तपस्या में लीन होते हैं, वहां पे भगवान शिव प्रकट होते हैं और भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने की आह्वान की, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के पिताजी ने उनसे एक पुत्र की कामना की। भगवान शिव कहते हैं, उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा तो वो सर्वज्ञ नहीं होगा, और अगर वो सर्वज्ञ होगा तो फिर वो दीर्घायु नहीं होगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी के पिताजी वो सोचते हैं कि अगर मैंने दीर्घायु पुत्र की कामना की, अगर मैंने उसे प्राप्त कर भी लिया, लेकिन अगर वो ईश्वर के निमित्त काम नहीं आया, भगवान की सेवा में काम नहीं आया, लोक कल्याण में नहीं काम आया, अपना कल्याण नहीं की, समाज की कल्याण नहीं की, तो ऐसे पुत्र का मैं क्या करूंगा। और उन्होंने
अल्पायु पुत्र सर्वज्ञ पुत्र की कामना की। आदि गुरु शंकराचार्य जी के पिताजी वो चाहते तो लंबे आयु के पुत्र को वो मांग सकते थे, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र को मरते हुए नहीं देखना चाहेगा, वो लंबी उम्र की कामना करता है। लेकिन उन्होंने अपनी इच्छाओं अपनी कामनाओं को पीछे रखा और अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा में मिला दी, भगवान की इच्छा में मिला दी और अल्पायु पुत्र की कामना करते हैं। एक भक्त अपने इच्छाओं को छोड़ करके अपने इष्ट अपने सदगुरु उनके चरणों में अपनी निम्न प्रकृति को समर्पित कर देता है और उनकी इच्छाओं को अपना बना लेता है। लेकिन ये कहना जितना आसान है उतने ये कठिन है। कारण कि जिस वक्त हम इस निम्न प्रकृति को छोड़ करके श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस वक्त हमारी कामनाएं हमारी इच्छाएं हमारी महत्वाकांक्षाएं फिर सामने आने लगती हैं। और वो महत्वाकांक्षाएं सिर्फ सांसारिक नहीं होती हैं, वो आध्यात्मिक भी होती हैं। वो इच्छाएं जो विवेकानंद जी को थी, एक समय था कि जब स्वामी विवेकानंद जी स्वयं के कल्याण के लिए ठाकुर से आनंद की गहराइयों में डूबने की कामना करते हैं, वो स्वकेंद्रित हैं, वो स्वयं के बारे में सोचते हैं। लेकिन ठाकुर ने समझाया कि ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम तक सीमित रखने के लिए नहीं है, गुरु का बहुत बड़ा दायित्व है तुम पर कि तुमको संसार में इसको फैलाना है। विवेकानंद जी अपनी असमर्थता जताते हैं, लेकिन ठाकुर उनको समझाते हैं कि तुम बस संघर्ष करते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो, एक दिन तुम्हारा भी दृष्टिकोण व्यापक होगा, तुम सबके कल्याण के बारे में सोचोगे। और यही होता है कि कुछ समय जब विवेकानंद जी संघर्ष करते हैं, साधना में तपते हैं, जब उस गहराई में उतर जाते हैं और जितना वो ठाकुर के प्रेम में डूबते चले गए, ठाकुर उनके अंदर उतरते चले गए। अब उनकी संकीर्ण विचारधारा नहीं रह गई, अब उनकी अवधारणा बदल गई, अब उनका व्यापक दृष्टिकोण हो गया ठाकुर की तरह। और वो विवेकानंद जी जो स्वयं तक केंद्रित थे, वो एक समय आता है कि वही विवेकानंद जी कन्याकुमारी के शिलाओं पर खड़ा होकर के और भगवान के समक्ष वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में जब तक कोई दुखी दीनहीन गरीब और अध्यात्म से वंचित व्यक्ति है, तब तक बार बार मुझे जन्म देना, मैं बार बार इस संसार में आऊं और इनकी सेवा करूं, आपकी सेवा करूं। आज उनकी विचारधारा बदल गई, जब संघर्ष करते रहे, जब एक भक्त संघर्ष जब करता रहता है, जब एक प्यूपा जब संघर्ष करता रहता है, तो एक समय मौत में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पतंग में बदल जाता है। लेकिन इस संघर्ष जमीन से रेंगने से लेकर के और आसमान में ऊंचाई उड़ने तक के बीच का जो संघर्ष है, वो अधिक महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस बीच गुरु उसको गढ़ता है, वो संघर्ष बेकार नहीं जाता, एक एक कमियों को गुरु दूर करता है, एक एक कमियों को विवेकानंद जी ने दूर किया। और आज एक समय आया कि जब अंतिम समय आया तो उनका एक गुरु भाई उनसे पूछता है, वो कहता है कि अभी तो लोग ठाकुर को जानने लगे थे, अभी तो ज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा था, और आप इतनी कम समय में आप इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि महत्व लंबे जीवन या छोटे जीवन का नहीं है, महत्व इस बात का है कि जो ठाकुर ने जो एक पटकथा लिखी और हम सभी को उसमें एक किरदार दिया, एक भूमिका दी, महत्व इस बात का है कि हमने उस किरदार को उस भूमिका को कैसे निभाया, कितनी निष्ठा से निभाई, इस बात का महत्व है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें वो किरदार मिला। विवेकानंद जी कहते हैं हम देखें कि आज गुरु महाराज जी भी एक नवयुग की पटकथा लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई महापुरुष इस संसार में आता है वो एक इतिहास लिखता है, वो सबको मौका देता है।
सबकी अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना किरदार है। अब ये उस व्यक्ति पर निर्भर है कि उसको कितना निष्ठा से वो निभाता है। आज गुरु महाराज जी ने भी सबको दिया है महत्व। इस बात का नहीं कि किरदार किसका कितना बड़ा और छोटा है, महत्व इस बात का उसने निभाया कैसे, उसने उसको जिया कैसे। राम ने भी सबको किरदार दी, लेकिन गिलहरी ने ये नहीं सोचा कि हनुमान का किरदार बड़ा है। बस वो अपनी सेवा, अपने भूमिका को निभाया और अच्छे से निभाया, और उसके निष्ठा के कारण वो भगवान के नजरों से वो बच नहीं पाए। ईश्वर ने उसको हथेली में उठाकर उसको प्रेम दिया। भक्त जब निष्ठा से कोई भी सेवा को पूरा करता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, महत्व उसका है। उसने निभाया क्योंकि मौका उसने दी। भगवान मौका देता है सबको, आज हमें भी मिला है, लेकिन हम कैसे निभाते अगर हमने उसे निभाया, हमने उसे समर्पण से निभाई, तो गुरु एक समय गढ़ के हमारा एक हमें एक मिसाल बना देता है। तो दुनिया प्रेरणाएं लेती हैं, और यही घटना हुई 17वीं शताब्दी में लचित बोरफुकन के साथ। जब औरंगजेब की सेना लगभग उसने पूरे हिंदुस्तान पे जब कब्जा कर लिया, और उसकी मुगल सेना जब आसाम की तरफ बढ़ने लगी, और उस वक्त आसाम को अहम साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, सेना जब उधर बढ़ने लगी तो वहां नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए बहुत सारे अनुयायी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लगे। घर घर से ऐसी प्रार्थनाएं उठने लगी कि हे परमात्मा, पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचाकर उसकी सेना इधर बढ़ रही है, आप हमारा मार्गदर्शन करो। और जिस वक्त उन भक्तों ने ऐसी प्रार्थनाएं की, घर घर से ऐसी प्रार्थनाएं उठने लगी, उस वक्त एक घटना घटती है कि सालों से समाधि में बैठे नवनाथों में से, नाथ संप्रदाय के नवनाथों में से एक योगी कफिक नाथ जी उस समाधि से बाहर आ गए, और समाधि से बाहर आकर के अपने कुछ अनुयायियों को एकत्र किया और उनसे कहते हैं कि आने वाला जो समय है वो बहुत ही विभत्स है, बहुत ही भयंकर है, इसलिए आपके ऊपर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक दायित्व है, वो मैं आपको देना चाहता हूं। आपने इस वक्त असम यानी अहोम राज्य में जाना है, और उन भक्तों के अंदर स्वाभिमान जगाना है, अध्यात्म की चेतना जगानी है, और आने वाले परिस्थितियों से जूझने के लिए उनको तैयार करना है। और जिस वक्त कफीक नाथ जी उनको समझाते हैं, वो कहते हैं कि जिस वक्त आप जाओगे आपका विरोध होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जिंदा वापस ना आए। लेकिन याद रखना कि अगर तुमने इस दायित्व को निभाया तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, क्योंकि गुरु एक दायित्व सौंपता है। और वो समझाते हैं कि साधक का जीवन कैसा है, वो कहते हैं कि एक कलवरी मछली की तरह होता है। कलवरी मछली जो सार्क की एक प्रजाति है, जो केरला और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में गल्फ ऑफ मन्नार में पाई जाती है। वो कहते हैं कि जो कलवरी मछली है जिसका जीवन काल बहुत कम होता है, लेकिन जितने समय तक वो जीती है वो अपने गौरव और गरिमा के साथ जीती है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वो उनसे वो जूझती हैं, उनसे वो लड़ती हैं। और कफीक नाथ जी कहते कि यही कारण है कि उन परिस्थितियों से जूझने के कारण बहुत सारे राजाओं के राज्य चिन्हों में उसका चित्र अंकित है। क्योंकि कलवरी मछली की एक विशेषता है कि जिस वक्त ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, उस वक्त बहुत सारे जीव जंतु जो सुरक्षित स्थान को ढूंढते हैं, बहुत सारे जीव जंतु जो बॉटम एंड पर चले जाते हैं खुद को बचाने के लिए, उस वक्त वो कलवरी मछली उन तूफानों से लड़ती है, उस ज्वार भाटा का सामना करती है,
जिस वक्त सभी छिप जाते हैं उस वक्त वो अपने बच्चों को साथ में लेकर के और उन लहरों के साथ टकराती है और उनको प्रीडेटरी प्रोसेस सिखाती है, जहां सब पीछे हटते हैं लेकिन वो जूझती है। कफीक नाजी कहते हैं कि जो कलवरी का जीवन है वो साधक का है कि वो दाएं बाएं नहीं देखता, वो सामने से उसका प्रतिकार करता है, वो पलायन नहीं करता। कलवरी का जीवन छोटा है कफीक नाजी कहते हैं, उसकी तुलना में जो कछुआ है उसका जीवन बहुत लंबा होता है, 100 से 150 सालों तक होता है। जीता तो वो लंबा है लेकिन पलायनवादी जीव होने का एक अपयश लेकर जीता है, क्योंकि कछुए के अंदर एक अवगुण है कि जहां भी उसको कोई खतरे का आभास होता है, जहां भी कोई संघर्ष की स्थिति बनती है, वो उस स्थान को वो छोड़कर चला जाता है। पूरी जिंदगी वो जगह बदलता रहता है, यहां तक कि अपने बच्चों को भी छोड़कर चला जाता है। कफीक नाजी कहते वो जीता तो बहुत है, काफी समय तक वो जीता है लेकिन अपयश को लेकर वो जीता है। हम पीछे हट करके गुरु के दायित्वों को छोड़ करके संसार के सब कुछ पा लेंगे लेकिन फिर भी उस अपयश का साथ हमसे छूट नहीं पाएगा, वो अपयश साथ में चलता है। फिर वो समझाते हैं कि साधक उस कछुए के भांति नहीं होता जो परिस्थितियों को देख करके वो पीछे नहीं हटता। अगर कोई पीछे हटा, जो भी हटा, अजामिल, गुरु के दायित्वों को छोड़ा, उनके वचनों को नजरअंदाज की, क्योंकि पलायनवादिता सिर्फ खतरों को देख करके पीछे हटना ही नहीं है, गुरु के वचनों को नजरअंदाज करना, उनके वक्तव्यों को पीछे छोड़ देना, उनके आदर्शों को छोड़ देना, उनकी आज्ञा में ना रहना। अगर हम साधना छोड़ते हैं तो हम भी अध्यात्म से पलायन कर रहे हैं, अगर हम सेवा से पीछे हटते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो हम भी पलायन कर रहे हैं। साधना छोड़ते हैं तो भी हम पलायन कर रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं उस कछुए की तरह। अजामिल ने यही गलती करी, गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना किया उसने, उनको नजरअंदाज किया और हुआ क्या, आज भक्त को, आज अजामिल को भक्त की उपमा तो मिल गई लेकिन ध्रुव और प्रहलाद जैसा उसको सम्मान नहीं मिल पाया। जब हम गुरु के दायित्वों को छोड़ के पीछे हटते हैं तो भक्तों की टोली में नाम तो आ जाता है लेकिन अजामिल की तरह हम उस अपयश को लेकर जीते हैं। अजामिल उस अपयश को लेकर जिया। कफीक नाजी कहते हैं कि जो भक्त है वो किसी भी परिस्थितियों में अपने उस प्रकृति को नहीं छोड़ता, उस संघर्ष करने की प्रकृति नहीं छोड़ता, वो चूसता रहता है, उसको धारण किए रहता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा पानी है, पानी को आप चाहे कितना भी गर्म कर लो लेकिन जिस वक्त आप उसको आग पर डालोगे तो वो आग को बुझा डालेगा। आप गैसोलीन को चाहे डीप फ्रीजर में रख दो लेकिन जिस वक्त आप आग का संसर्ग करोगे वो जल उठेगा। पानी विपरीत परिस्थितियों में रह के भी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता और ना ही गैसोलीन छोड़ता है। ये साधारण सी वस्तुएं हैं जो अपनी प्रकृति के साथ वो जुड़ी रहती हैं। कफीक नाजी कहते हैं कि जो भक्त उस प्रकृति के साथ वो जुड़ा रहता है, वो संघर्ष करता रहता है, और अपने शिष्यों को निर्देश दे करके वो असम की तरफ भेज देते हैं उन्हें। जिस वक्त उनके शिष्य आगे बढ़ते हैं और अहम राज्य में जब उनका प्रवेश होता है और जिस वक्त वो अध्यात्म से सबको प्रेरित करने लगते हैं तो बहुत सारे युवा उनसे प्रभावित होने लगते हैं और बहुत सारे युवा उनके पास आने लगते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जब ये देखा कि यहाँ बहुत सारे युवा तो इनके पास जा रहे हैं और इनके प्रभाव क्षेत्र में आ रहे, तो बहुत सारे लोग वहां विरोध करने के लिए चले आए। वे कहने लगे कि देश को इस समय युवा और सेना की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता है। औरंगजेब अपनी सेना को लेकर चल पड़ा है तो इस वक्त आप इनको योगी बना करके आप पलायनवादिता सिखा रहे हो, आप इनको पलायनवादी बना रहे हो।
बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन फिर भी वो अपनी सेवा में लगे रहे, वो अपने कर्तव्य का पालन करते रहे, गुरु के दायित्व को निभाते रहे। हुआ क्या, बहुत सारे युवा उनसे जुड़ने लगे और वहां पर उन योगियों ने एक भविष्यवाणी की कि आज जिन युवाओं को आप पलायनवादी कह रहे हो, एक समय आएगा कि जब सारे संसाधन काम नहीं आएंगे, कोई हथियार काम नहीं आएगा, जब सेनाएं भी पीछे हटने लगेंगी, तो यही युवा काम आएंगे, यही इस राज्य को बचाएंगे। और होता भी यही है कि उन्हीं युवाओं में से एक सधकर एक युवा निकलता है, लचित बोरफुकन, अपनी वीरता अपनी मेहनत के कारण कुछ समय के बाद अहोम साम्राज्य का वो सेनापति बन जाता है। और समय आता है सन 1671 का, जिसे इतिहास में बैटल ऑफ सरायघाट के नाम से जाना जाता है, और जिस वक्त औरंगजेब 100,000 की सेना लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ बढ़ता है। उस वक्त अहोम राज्य के राजा ने लचित बोरफुकन को 30,000 की सेना दे करके और औरंगजेब से लड़ने के लिए भेजता है। युद्ध के मैदान में लचित अपनी वीरता दिखाता है, वो जूझता है, वो लड़ता है, लेकिन इस युद्ध में वो अत्यंत घायल हो जाता है। और उसके घायल होने के कारण उसके बहुत सारे सैनिक पीछे हटने लगते हैं, और जब सैनिक पीछे हटते हैं तो लचित इस दृश्य को देखकर तलवार ऊपर उठाता है और वो कहते हैं कि जिनको पीछे भागना है भाग जाए, जिनको पीछे हटना है हट जाए, लेकिन जाते हुए राजा से ये बोल देना कि तुम्हारा सेनापति लड़ा और अपने उत्साह से लड़ा, वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया, वो युद्ध में मारा गया, लेकिन पीठ नहीं दिखाई, वो पीछे नहीं हटा। और पीछे हटते हुए उन लोगों से भी कह देना कि जो हमें पलायनवादी कहते थे, आज वो देखें कि जब सेना काम नहीं आ रही है, हथियार काम नहीं आ रहा, सैनिक पीछे हट रहे हैं। उस वक्त कुछ चंद युवा वही योगी सामने लोहे के दीवार बनकर खड़े हैं, और जिस वक्त लचित ने यह बात बोली, वहां पीछे हट रही सेना बिल्कुल सामने आ जाती है। उसके उत्साहवर्धक बातों को सुनकर के वो लड़ता है, और इस वीरता के कारण गुरुदेव की कृपा से वो इस युद्ध को जीत जाता है। औरंगजेब का काफी नुकसान होता है, औरंगजेब की सेना पीछे हट जाती है, और असम भारत का एक ऐसा राज्य बना जो कभी मुगलों का आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ। गुरुदेव का वचन सत्य सिद्ध हुआ। आज लचित अत्यंत घायल हो गया और युद्ध के मैदान में गिरा पड़ा है, मृत्यु के कगार पे है, लेकिन चेहरे पर सुख है, शांति है, स्थिरता है, मन में इस बात की संतुष्टि है कि गुरुदेव जिस प्रकृति में ढालना चाहते थे, आज वो उसमें ढल गया है। चेहरे पर इस बात की शांति है कि उसने अपने गुरु के विश्वास को जीत लिया, अपने राजा के दायित्व को निभाया। एक तरफ जहां लचित के चेहरे पर शांति है, स्थिरता है, वहीं युद्ध के मैदान में हम देखें कि भीष्म पितामह भी पड़े हैं और उनके समक्ष भगवान कृष्ण खड़े हैं, लेकिन भीष्म पितामह के चेहरे पर दुख है, संताप है, कष्ट है, पीड़ा है, और मन में पश्चाताप है कुछ खो देने का। लचित के चेहरे पर सुकून है, कारण कि बेशक उसने संसार के अपने रिश्ते नातों को दायित्वों को नहीं निभाया हो, लेकिन एक दायित्व को निभाया, वो था गुरुदेव का दायित्व निभाया, उसको उसने पूरा किया। आज उसके चेहरे पर संतुष्टि है, लेकिन भीष्म जिसने सभी दायित्वों को निभाया, राज धर्म का पालन किया, सेनापति होने का उस धर्म का पालन किया, अपने परिवार के कार्यों को पूरा किया, सबको निभाया, लेकिन भगवान को नहीं निभा सके, भगवान के नहीं हो सके, आज मन में पश्चाताप है। भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी खाली खाली सा वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लचित के सामने उसका इष्ट बेशक सामने नहीं खड़ा है, लेकिन वो अंदर से संतुष्ट है, उसे इस बात की शांति है। आज अहोम राज्य के राजाओं को कोई शायद नहीं जानता हो, लेकिन लचित बोरफुकन को सब जानते हैं।
आज भी नेशनल डिफेंस एकेडमी का हर साल जब पासिंग आउट होती है उस वक्त बेस्ट कैडेट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल दी जाती है। और उन आने वाले आर्मी ऑफिसर से ये उम्मीद की जाती है कि आपने भी युद्ध के मैदान में लचित बोरफुकन की तरह ही ऐसे उत्साह, उमंग और वीरता के साथ लड़ना है और अपने साथियों का ऐसे उत्साह को बढ़ाना है। आज लचित को सब जानते हैं, उसका सम्मान है, लेकिन भीष्म ने अपना सारा सम्मान खो दिया। भक्तों, जब इस संसार में जब भक्त अपने गुरुदेव के दायित्वों को पूरा करने के लिए जब आगे बढ़ता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरही ते जन सकल विभव बस करही। कि जिस वक्त भक्त उस दायित्व को पूरा करने के लिए बढ़ता है, संघर्ष करता रहता है, ते जन सकल विभव बस करही, समस्त संसार का वैभव उसके पास अपने आप चला आता है। अंगुलीमाल डाकू ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि सिर्फ यहां सिर को झुका देने से मुझे इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। कहा, मैं घृणा का पर्याय बन चुका था, लोग मेरे से घृणा करते थे, आज उसको लोग सम्मान करते हैं, संघ में उसकी इज्जत बढ़ जाती है, उसने कभी सोचा नहीं होगा। महापुरुष कहते हैं कि जो व्यक्ति इसमें मिटाता है, साधकता के प्रकृति को जब धारण किए रहता है, जब मिटता चला जाता है तो कुछ बनता चला जाता है। मीरा अपने भजनों में कहती है कि अब तो हरि नाम लो लागी, नाम धरियो वे रागी। मीरा कहती है कि मेरा अपना अस्तित्व अब कुछ नहीं पता है, अब तो हरि नाम लो लागी, ऐसी अब लगन लग गई है ईश्वर की कि मेरी पहचान समाप्त हो गई कि मैं रानी हूं कि मैं दासी हूं। नाम धरियो वैरागी, कि लोगों ने मेरा नाम वैरागी रख दिया, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। अब मीरा कृष्ण का रूप बन गई, लोग अब मीरा को मीरा से नहीं वो कृष्ण से जानने लगे, उसकी पहचान समाप्त हो गई, उसको लोग वैरागी की संज्ञा देने लगे, उसकी पहचान खत्म हो गई। भक्त जब अपनी पहचान गुरु के साथ जोड़ देता है, उनके चरणों में अपनी तुच्छ प्रवृत्ति को छोड़ करके जब उनके श्रेष्ठ गुणों को जब अपनाने लगता है, जब अपने आप को बदल लेता है, तो गुरुदेव भी उसके जीवन को महान बना देते हैं, उसकी भी दुनिया में सम्मान बढ़ जाता है। आज विवेकानंद जी को लोग याद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, मीरा को देते हैं, लेकिन वही सम्मान भीष्म को नहीं मिल पाया। लचित बोरफुकन को मिला, लेकिन भीष्म को नहीं मिल पाया। आज अंत समय में जब भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर छोड़कर जाने लगे, तो युधिष्ठिर उनको छोड़ने के लिए बाहर आता है, शहर के बाहर, और युधिष्ठिर उनसे कहते हैं, भगवान कृष्ण से वो कहते हैं कि क्या भीष्म पितामह मारे गए, कर्ण मारा गया, इतने लोग इस युद्ध में मारे गए, घटोत्कच मरा अर्जुन के बचाने के कारण, आपने अर्जुन को बचाने के लिए उसे मरवाया, तो क्या ये सिर्फ मुझे राजा बनाने के लिए? कृष्ण कहते कि नहीं। वो कहते युधिष्ठिर, इस संसार में असंख्य राजा हैं, आने वाले समय में भी होंगे, और इस भीड़ का तुम बस एक इकाई मात्र हो, इस भीड़ का तुम हिस्सा हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ा, मैं तो धर्म के लिए लड़ता हूं, जो धर्म के लिए खड़ा है मैं उसके साथ रहता हूं, कोई ना हो तो भी मैं किसी को मैं खड़ा कर देता हूं, मेरी नजरों में विजय है और किसी तरह भी मैं उसको विजित करता हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ा, तुम तो इस भीड़ का हिस्सा हो। पूरी जिंदगी युधिष्ठिर भ्रम में रहा, आज जब अपने आप को भीड़ का हिस्सा जब सुनता है, आंखों में आंसू हो जाता, पश्चाताप करता है कि भगवान मेरे पास रहा, लेकिन मैं फिर भी भीड़ का हिस्सा बना रहा, मैं उसका नहीं बन सका। आज उसके युधिष्ठिर के चेहरे पर पश्चाताप है, दुख है, ग्लानि है। आज
युधिष्ठिर के पास इतना भी समय नहीं है कि वो क्षमा मांग सके, क्योंकि जो समय मिला वो हाथ से निकल गया, जो अवसर मिला वो उससे छूट गया। आज हम देखें कि हम भी कहीं उसी भीड़ का हिस्सा ना बन के रह जाएं, हमें युधिष्ठिर की तरह पछताना भी ना पड़े, हमें युधिष्ठिर की तरह कहीं हमें भी ऐसा ना हो हमारे साथ कि एक समय ऐसा आए कि हमारे पास पछताने का भी समय ना रहे, क्योंकि कृष्ण आज छोड़कर जा रहे हैं। हम अगर अपना अवलोकन हमने नहीं की, अगर हमने सही समय पर अपने उस तुच्छ प्रवृत्ति को छोड़ करके और उस श्रेष्ठ प्रकृति को नहीं अपनाया, उनके चरणों में समर्पित नहीं किया, तो आज हम युधिष्ठिर की तरह वही एक इकाई बन के रह जाएंगे, पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए हमें समझना है, जो गुरुदेव ने एक मौका दिया है हमें बदलने का, श्रेष्ठता की तरफ बढ़ने का, और इसलिए महाराज जी भजन में आह्वान भी कर रहे हैं कि श्रेष्ठता उत्कृष्टता का अनुगमन है साधना। साधना सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं, पल प्रतिपल अपना अवलोकन करना, अपने आप को खोजना, अपने आप को ढूंढना, अपनी निष्ठा को जांचना, यह साधना है। और जिस वक्त साधक ये ढूंढने लगता है, ये खोजने लगता है, निसंदेह अपनी निम्न प्रकृति को छोड़ देता है, और वो भी उस रेंगते हुए कीड़े की प्रवृत्ति को छोड़ करके उस मोच की तरह, उस पतंगे की तरह आसमान की ऊंचाई को छूता है। फिर हम भी एक दिन ऊंचाई को छुएंगे अगर हम इस मार्ग पर बढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे, संघर्ष करते रहे, उस कलवरी मछली की तरह जो सामने से टकराती है, जो पलायन नहीं करती, जो प्रतिकार करती है। परिस्थितियों तो आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी सामने, लेकिन साधक जूझता है, हम जूझते रहें तो एक दिन हम अपने आप को बदल पाएंगे और उस श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाएंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद है और प्रार्थना हमारा जब उनके चरणों में है और उनका आशीर्वाद भी साथ है, तो एक दिन हमारा बदलाव निश्चित है। इसलिए प्रार्थना करते रहें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।